देखो पहले इसमें ऐसा नहीं था, पहले मतलब आपको क्रॉसिंग देखने को, क्रॉसिंग नहीं सॉरी रेस आपको देखने को मिलती नहीं थी, लेकिन यहाँ पे रेस हमारी शुरू हो चुकी है मस्त हमारी सत्र। यहाँ पे देखो WDP4 लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, पहले क्रॉसिंग भी नहीं होती थी लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग भी अब बैक टू बैक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मुझे लगा था लूप लाइन पे मुझे डाला जाएगा लेकिन लूप लाइन पे ना डालते हुए उन्होंने मुझे मेन लाइन पे डाल दिया, इसका मतलब हमारी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस रुकने वाली नहीं है। जबरदस्त यहाँ पे कौन सा स्टेशन है, इस स्टेशन ये ट्रेन जब बगल से निकलेगी तो इसकी आप आवाज़ सुनिए एक बार, क्या रियल। हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो गाइस आज के इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं ट्रेन सिम इंडिया का मेगा अपडेट, यहां पे आ चुका है। ये गेम लॉन्च हुआ था ठीक है, अब बैक टू बैक अपडेट तो आ नहीं है, बहुत सारी माइनर इसमें जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं माइनर इश्यूज हैं वो सारे फिक्स करने तो यहाँ पे बनते ही हैं ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपडेट कर लिया है, आप भी जाके प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए इसको। यहाँ पे हम जल्दी से ट्रेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, जब तक ये गेम लोड हो रहा है मस्त जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं ठीक है। गेम हमारा लोड हो चुका है पूरी तरीके से, और यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे हमारी शताब्दी एक्सप्रेस वेब 7 लोकोमोटिव के साथ खड़ी हुई है, लेकिन यहां पे डबल डेकर एक्सप्रेस यहां पे है, ये बड़ी बात नहीं है। यहां पे डबल डेकर मेन चीज यहां पे हमारे साथ पैरेलल रेस कर रही है, तो पहले ऐसा कुछ था नहीं इसमें ट्रैफिक का, लेकिन फिलहाल यहां पे ट्रैफिक को थोड़ा सा आ चुका है। यहां पे अगर आप देखें अंबाला कैंट पे हमारी शताब्दी एक्सप्रेस खड़ी हुई है, हमें रेड सिग्नल दिया गया है ठीक है। अगर यहां पे ग्रीन सिग्नल होता तो हम इसके साथ जरूर रेस करते हैं। अगर आप देखें रेड सिग्नल सामने आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारी लेवल जो है वो फेल हो जाएगी, टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे हमें ट्रेन को चलाना पड़ेगा। तो ये एक पहला अपडेट मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे आप जो है वो सिग्नल के हिसाब से आपको चलना होगा, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो आप मतलब बेधड़क ट्रेन को दौड़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी ठीक है। और भी हम इसमें अपडेट के बारे में बात करेंगे, आप पूरी वीडियो को मस्त इंजॉय करिए यहाँ पे ठीक है। गेम प्ले भी हो रहा है, अपडेट के बारे में बात भी यहाँ पे हो रही है। ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया, हम यहाँ से ट्रेन को निकालते हैं वेब 7 लोकोमोटिव के साथ। जबरदस्त हाई स्पीड शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ से अंबाला कैंट से हमारी निकल चुकी है, कोशिश करेंगे इसको पछाड़ने की ठीक है। मैंने सुना था कि भैया इसमें क्रॉसिंग भी आ चुकी है, तो हम क्रॉसिंग देखेंगे। क्रॉसिंग मतलब ऐसी नहीं है कि आपको रोका जाए और ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सामने से ट्रेन आती और यहाँ पे रेलवे यार्ड भी आ गया, बहुत सारी साइड में ट्रेन खड़ी हुई हैं अगर आप देखें तो, ये यार्ड है रेलवे यार्ड भी इसमें ऐड कर दिया गया है ठीक है। तो एक चीज़ और ये हो गई, दो चीज़ हमारी हो गई, बाकी अनाउंसमेंट आपने सुन नहीं पाई। मैं मुझे आपको अनाउंसमेंट भी बताना था। अनाउंसमेंट पहले क्या थी कि आप स्टेशन पे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अनाउंसमेंट आपको सुनाई देगी, डिपेंड करता है कि आप किस जो माइक होता है अनाउंसमेंट का, जो माइक होता है आप उसके पास होंगे तो आपको तेज़ आवाज़ होगी, आप उससे दूर चले जाएंगे तो कम आवाज़ आएगी। तो ऐसा इसमें किया गया कि डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, इंजन के पास हैं तो कम आवाज़ आएगी, ट्रेन के बीच में होंगे मतलब बीच वाले कोच में होंगे तो आप माइक के बगल में होंगे तो आपको तेज़ आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे सिमुलेशन वाला माइक आई थिंक ऐसे बोला जाता है, तो उसको ऐड किया गया। तीन चीज़ हो गई। चौथे नंबर की यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रॉसिंग आपको दिख रही है, पहले ऐसी कोई क्रॉसिंग मुझे देखने को जब तक मैंने खेला तब तक मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग भी ऐड हो गई। WDP40 लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे हमारी राजधानी एक्सप्रेस निकल के जा रही है, दूसरे ट्रैक से आ रही है मतलब कोई दूसरे रूट से आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखने को मिली, चार चीज़ें हो गई ठीक है। हो सकता है ये चीज़ पहले भी हो ठीक है, मतलब मुझे कन्फर्म नहीं है, आप ऐसा मत बोलिए कि ये पहले भी थी, आई डोंट नो कन्फर्म, मतलब आई डोंट नो पहले ये चीज़ थी कि नहीं। तो यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे आपको क्रॉसिंग भी देखने को मिलेंगी यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें और आप ट्रैक साउंड सुनिए भाई, ट्रैक साउंड नहीं सॉरी, आप ना यहाँ पे जो बगल से ट्रेन निकल के जा रही है उसका साउंड सुनिए, बिल्कुल रियलिस्टिक फील हो रहा है, जैसे कि कोई ट्रेन हमारे जब बगल से क्रॉस करके निकलती है ना तो बिल्कुल वैसा ही साउंड यहाँ पे हमें सुनने को मिल रहा है। तो ये भी थोड़ा मतलब बेहतर बनाता है हमारे उसको ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊँगा, मेन चीज़ कैमरा में क्या हुआ है ठीक है, मेन चीज़ तो कैमरे है ना, कैमरा के बारे में हम बात कर लेते हैं। कैमरा में अगर आप देखें ना तो पहले क्या होता था, कैमरा एंगल वही है कोई डाउट नहीं, लेकिन पहले क्या होता था ना, हम कैमरा देखो यहाँ पे मैं अगर कैमरा पे क्लिक कर रहा हूँ ना, मैं एक एक कोच पीछे जा रहा हूँ, ये देखो इस कोच पे, इस कोच पे, मैं चाहूँ किसी भी कोच पे जा सकता हूँ कैमरा एंगल को लेके। पहले क्या था, कैमरा पे क्लिक करो या तो आप लोकोमोटिव पे आ जाते थे या सीधे डायरेक्ट पीछे जो हमारा होता है कोच उसके वहाँ पहुँच जाते थे, पहले ऐसा था। लेकिन अभी क्या है, आप एक एक कैमरा चेंज करेंगे तो आप एक एक करके पीछे जाते जाएंगे, तो ये हमारा कैमरा एंगल हो गया। सेकंड चीज़ इसमें ये आती है कि यहाँ पे सिग्नल के हिसाब से आपको रोकना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बेधड़क भगाया जा रहा है शताब्दी हो चाहे राजधानी, अब ऐसा नहीं है, सबको यहाँ पे रुकना पड़ेगा सिग्नल पे, नियम सबके लिए बराबर हैं यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें लूप लाइन पे नहीं लाया गया, हमें मेन लाइन से यहाँ से निकाल दिया गया हमारी शताब्दी एक्सप्रेस को, तो यहाँ पे हम रोकेंगे नहीं ट्रेन को ठीक है।
तो यहाँ पे ये बहुत सारे इसमें अपडेट आए हैं। ग्राफिक तो इंक्रीमेंट किया ही गया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको बता देते हैं, पहले अगर आपने ये गेम खेला हो तो इसमें जो पेंटो हैं, दो पेंटो हैं, अगर आप नीचे जो हमारे मेन्यूज आ रहे हैं उसमें देखें तो दो पेंटो हैं, एक पेंटो वन एक पेंटो टू जो लास्ट में हमें दिख रहा है। सबसे पहले आप साउंड सुनिए, मैं यहाँ पे चुप हो जाता हूँ, आप ये साउंड सुनिए जब बगल से ये ट्रेन निकलेगी। एकदम रियलास्टिक, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा बनाती है। एक पेंटो का मैं जल्दी से बता देता हूँ, पेंटो में क्या है ना, पहले क्या होता था हम दोनों पेंटो को ऊपर कर देते थे, दोनों वायर से चिपके रहते थे, लेकिन एक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, एक ना एक कोई सा पेंटो ऑन होना चाहिए। तो अब क्या कर दिया कि अगर आप पेंटो वन ऑन है और आप पेंटो टू ऑन करते हैं तो पेंटो वन ऑन ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा, अगर आप पेंटो वन को ऑन करते हैं तो सेकेंड वाला ऑटोमेटिकली नीचे होता है, मतलब एट ए टाइम आप एक ही पेंटो को ऑन कर सकते हैं। तो ये भी इसमें फिक्स कर दिया गया। यहाँ पे वैसे तो हमें लूप लाइन पे नहीं लाया गया, मेन लाइन हमें स्पीड में निकलना था, लेकिन अब हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, गेम प्ले हम कर नहीं रहे थे, हम मेन चीज़ हमारा अपडेट के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सारी अपडेट की बातें हमने कर ली, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, गाइस बताइए वीडियो कैसी लगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं लाता रहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।